कि आधी रात से जीएसटी लागू हो रहा है, तो देश के कई हिस्सों में व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं और वो सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तस्वीरें, व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। ये लोग जीएसटी को 6 महीने बाद लागू किए जाने की मांग कर रहे थे। इनका कहना था कि नए नियम में व्यापारियों पर कंप्यूटर का बोझ डाल दिया गया है, जबकि उन्हें कंप्यूटर चलाना तक नहीं आता है। तो ये कुछ छोटी छोटी वजहें हैं जिसको लेकर बड़ा आंदोलन यहां पर किया जा रहा है। व्यापारी जो है सड़कों पर उतरे। छोटे व्यापारियों पर कंप्यूटर का बोझ लादा जा रहा है, जो कि अभी उनको उसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं है, और व्यापारियों के जीएसटी रूपी जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। व्यापारी उससे परेशान है और उनको जीएसटी के बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हमारा यहाँ मांग है कि इसको जल्दबाजी में न लागू करें, इसको 6 महीने के बाद लागू करें। आज हम लोग व्यापारियों को जंजीर में जकड़कर, जीएसटी रूपी जंजीर में जकड़कर प्रदर्शन किए हैं। व्यापारी उससे जो है तड़पड़ा रहे हैं और कंप्यूटर लेकर प्रदर्शन किए हैं। छोटे व्यापारी कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, तो उसको लेकर हम लोग प्रदर्शन किए। उत्तर प्रदेश की है, यहाँ के कानपुर की, यहाँ पर व्यापारियों ने ट्रेन रोक दी है। जीएसटी का विरोध कर रहे व्यापारी रेल ट्रैक पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे हैं। तस्वीरें कानपुर की। तो व्यापारियों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है, भारत बंद बुलाया है, और ये देखिए व्यापारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रेन रोक दी है व्यापारियों ने, जीएसटी लागू किए जाने के विरोध में ये बंद बुलाया गया। तो ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन यहां पर व्यापारियों की ओर से किया जा रहा है। तस्वीरें कानपुर की। इससे पहले आपको तस्वीर वाराणसी की दिखाई, बेहद नाराज वहां पर व्यापारी आ रहे हैं। वजह उन्होंने बताई कि उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है और 6 महीने का वक्त और सरकार से मांगा गया। तो वहीं व्यापारियों के भारत बंद का असर लखनऊ में भी दिख रहा है। जीएसटी के विरोध में पूरा बाजार बंद है, सड़कें सुनसान यहां पर पड़ी हुई है। ये देखिए जीएसटी के विरोध में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये तस्वीर, किस तरीके से यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें बंद हैं। व्यापारियों ने विरोध करने के लिए ये तरीका अपनाया है। हालांकि यहां पर सड़कों पर अभी व्यापारी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वाराणसी और कानपुर की तस्वीरों में व्यापारी सड़क पर उतरे हैं और रेलवे ट्रैक पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जीएसटी के विरोध में मथुरा में भी व्यापारियों ने बाजार बंद रखा है। बंद का आह्वान उद्योग व्यापार मंडल ने किया था। मथुरा में करीब 80% दुकानें आज बंद हैं। हालांकि छत्ता बाजार, चौक बाजार और होली गेट बाजार में बाजार पूरी तरह से बंद है। व्यापारी जीएसटी लागू किए जाने का विरोध कर रहे हैं और सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। नेताओं का कहना है कि जीएसटी लागू करने का फैसला व्यापारियों के हित में नहीं है। अरे यार देख।